जब भी लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो अंडर चैप्टर सिक्स ए काफी सारे लोग बहुत सारे रिडक्शन क्लेम करते हैं सेक्शन एटी सी के अंडर वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तक का रिबेट मिलता है जहां पर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम आपके पब्लिक प्रोविडेंट फंड की इन्वेस्टमेंट आपके नेशनल पेंशन स्कीम की इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूडेड है इसके बाद अगर आप लोग सेक्शन डी को ऑब्जर्व करेंगे तो सेक्शन डी में आपको मेडिक्लेम रिलेटेड बेनिफिट मिलेंगे सेक्शन टी में आपको मिलेंगे सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट पर रिडक्शन और अगर आप लोग एटी को देखेंगे तो यहाँ पर आपको डोनेशन पर रिडक्शन मिलेंगे और ऐसे ही बहुत सारे रिडक्शन होते हैं जिसका क्लेम करते हैं टैक्स पेयर लेकिन काफी बार ऐसा भी देखा जाता है की काफी सारे ऐसे टैक्स पेयर भी होते हैं जो फॉल्स क्लेम करते हैं और अपने टैक्स टैक्स के अमाउंट को कम करते हैं लेकिन एज पेयर आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए एज टैक्स पेयर आपको आपकी टोटल इनकम का कॉम्पिटेशन प्रॉपरली करना है और इसके साथ साथ आपको आपके रिडक्शन को भी प्रॉपरली मेंशन करना है लेकिन अगर आप लोग फॉल्स डिडक्शन क्लेम करते हैं तो आपको पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती हैं और इसी के साथ साथ फॉल्स इन्वेक्शन क्लेम करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक जेल भी जाना पड़ सकता है और आपके पेनल्टी का अमाउंट आपके टैक्स अमाउंट के हंड्रेड परसेंट तक का हो सकता है जो की आपको पे करना ही पड़ेगा हाल ही में काफी सारे केसेस हुए थे जहाँ पर इन सारे रिलेटेड चीजों को लेकर फैसले लिए गए थे फॉर एग्जाम्पल टू में हुआ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस संगमेश्वरी डी कोटागिरी अब कर्नाटक हाई कोर्ट का यह कहना था कि अगर आपने नोइंगली नहीं भी किया है तब भी आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी और यहाँ पर कंसिल ऑफ इनकम को होगा एक और एग्जाम्पल टू में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रोसेसर अब इस केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज कही की गलती आपसे हुई है तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी फिर चाहे आपका गिल्टी माइंड हो या नहीं इसके अलावा कमिश्नर ऑफ इंडिया मैक डाटा के बीच में भी ऐसा हुआ था जहाँ पर कोर्ट का ये फैसला था की सरेंडर करने के बाद भी आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अब इन तीनों केसेस को ऑब्जर्व करके ये पता चलता है की अगर आपने इनकम टैक्स में फॉल्स रिडक्शन क्लेम किया है फिर चाहे आपने नोइंगली किया है अन

पे करना पड़ेगा तो अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बचना है और पेनल्टीज से बचना है तो आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न प्रॉपरली फाइल करनी है और जब भी आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो अपने इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट करने से पहले तो आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न के डेटा को वेरीफाई करना है फॉर्म ट्वेंटी से और इसी के साथ साथ आपको वेरीफाई करना है ए आई एस से और अगर आपको इनकम टैक्स से जुड़े और भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपका कोई डाउट है तो अस नो इन द कमेंट सेक्शन आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए साइनिंग ऑफ हैपी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय